नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैश लेन देन के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा सत्य की होगी जीत। कपिल मिश्रा सीबीआई को आज सौंपेंगे सबूत। गृहमंत्री का राज्यों को नक्सलियों से सख्ती से निपटने का निर्देश। नीतीश कुमार ने कहा मशवरे के बजाय जिम्मेदारी निभाए केंद्र, अभियानों में नहीं होगी सेना की तैनाती। पाकिस्तान में भारतीय महिला से जबरन निकाह, मदद के लिए भारतीय उच्चायोग मिली शरण, वतन वापसी की कोशिशों में जुटी सरकार। ईरान की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत, ठिकाने नहीं खत्म करने पर घुसकर हमले की धमकी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, युवराज रोहित और शमी की वापसी, 4 जून को पाकिस्तान के साथ पहले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घमासान तेज होता जा रहा है। एसीबी को टैंकर घोटाले से जुड़े सबूत देने के बाद कपिल मिश्रा आज सीबीआई को कैश लेन देन से जुड़े सबूत सौंपेंगे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा सोमवार को दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पहुंचे। उन्होंने टैंकर घोटाले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राजनीतिक सलाहकार आशीष तलवार पर जांच को दबाने का आरोप लगाया गया है। ये मामला पूर्व की शीला दीक्षित सरकार के समय का है। शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पूरे मामले में बीजेपी की मिलीभगत है। जिसकी आज सुबह चिता दफनाई गई, जिसको चिता में आग लगाई गई, जिसकी आज सुबह उस व्यक्ति की चिता में आग लगने के 2 घंटे के बाद कपिल मिश्रा उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में उलझलूल बोल रहे हैं, थोड़ी सी तो इंसानियत रखें। उधर बीजेपी नेताओं ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। पार्टी ने टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल जी आज भी उन्हीं कंपनियों से उसी रेट पर जो शीला दीक्षित जी ने तय किए थे, जिसमें 400 करोड़ रुपए का घोटाला जारी है, उसी रेट पर काम क्यों करवा रहे हैं, क्यों उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट जारी है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की जल्द जांच की मांग की। जो एक ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार को हटाने के नाम के ऊपर बनी थी और 7 मंत्रियों में से मुख्यमंत्री समेत 6 के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस संगीन आरोप लगे हैं, तो कैसी ये पार्टी है और कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा को शनिवार रात दिल्ली कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। रविवार को मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेते हुए देखा था। एक तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा है जो केजरीवाल के बचाव में है, दूसरी तरफ कपिल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने उन जांच एजेंसियों पर भरोसा दिखाया है जो कभी उनके निशाने पर हुआ करती थी। बहरहाल उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल को कपिल मिश्रा की चुनौती का सामना करना पड़ता है या केजरीवाल इसमें सही साबित होते हैं। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी दिल्ली। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर कल चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि इसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से होगी। दिल्ली में आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में राजधानी में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का असर देखने को मिल सकता है। इनमें कपिल मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पैसे लेने के गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सचिवालय समेत 6 जगहों पर
सीबीआई की छापेमारी और अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आम आदमी पार्टी से फंडिंग की डिटेल मांगे जाने का मुद्दा भी आज के सत्र में उठ सकता है। राज्य सरकार जीएसटी के मसले पर भी चर्चा कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नक्सलियों को मिल रही आर्थिक मदद पर रोक लगाने के साथ राज्यों को अभियान चलाने के लिए कहा है। दिल्ली में कल हुई बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुझाव रखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नक्सलियों से लड़ाई में केंद्र और राज्य दोनों को साथ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सिर्फ समीक्षात्मक भूमिका निभाए। नीतीश कुमार ने नक्सल रणनीति को लेकर केंद्र की ओर से राज्यों को पूरी मदद नहीं मिलने की भी बात कही और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल योजना का फंड रोकने को लेकर सवाल किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल पीड़ित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा रणनीति पर काम करना होगा। उन्होंने गोली के बजाय आक्रामक नीतियों पर जोर दिया। गृह मंत्री ने एकीकृत और रणनीतिक कमान बनाने की बात कही। देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या का निदान किसी सिल्वर बुलेट से संभव नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं। इसलिए अलग अलग स्तरों पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की जरूरत है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, ओडिशा के नवीन पटनायक, झारखंड के रघुवर दास और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से वरिष्ठ मंत्री बैठक में पहुंचे। बैठक में नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, जानमाल की नुकसान कम करने की रणनीति, विशेष बल बनाना और उसकी तैनाती जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का टाइम बाउंड क्रियान्वयन कैसे होते हैं, केपीआईस के माध्यम से उसका समीक्षा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है बिना समन्वय के, वो चाहे पुलिस का हो और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन का हो या उस क्षेत्र में काम करने वाली दूसरे एजेंसी के साथ। ये कम्प्लीट उन्होंने इस बात को दिया कि बेहतर तालमेल के साथ ही हम समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 25 जवानों की जान ले ली थी। 2 महीने में अकेले छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 37 जवानों की मौत हुई है। 20 सालों में नक्सली हमले में 12,000 लोगों की जान गई है। इनमें से करीब 2700 सुरक्षा बलों के जवान हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र ने नक्सली विरोधी अभियानों में सेना की तैनाती से साफ इनकार किया है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पुलिस बल और राज्य के पुलिसकर्मी दशकों से प्रशिक्षण के लिए सेना में जाते रहे हैं। गृह सचिव ने कहा कि नोटबंदी से नक्सलियों को मिलने वाले धन का स्रोत बंद हो गया है, इसलिए हाल ही में हथियारों को छीनने की घटनाएं बढ़ी हैं। नक्सलियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले और इसके आसपास कोबरा बटालियन के 2,000 अतिरिक्त कमांडो को शामिल किया जाएगा। सुकमा और इसके आसपास के इलाकों में कई बड़े नक्सली हमले हुए हैं। बुरकापाल में 24 अप्रैल को हुए हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले 11 मार्च को सुकमा में ही हुए नक्सली हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। लॉट ऑफ सीपीएफ्स एंड स्टेट पुलिसेस हैव बीन गोइंग फॉर डेकेड्स नाउ फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू द आर्मी। नाउ दैट हैज बीन गोइंग फॉर डेकेड्स एंड दैट of course will continue in future also, but there is nothing new to either the training part of it, and there is no question at all of involving the army in this operation. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कश्मीर के लोगों को लेकर न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस में संयम बरतने की सलाह दी है। वहीं पुलिस का दावा है कि पिछले एक साल में करीब 95 कश्मीरी युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए और करीब 200 आतंकवादी घाटी में सक्रिय हैं। कश्मीर के आईजी एसजेएम जिलानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर बैन की 1 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। कश्मीर घाटी के पुलवामा में सोमवार को छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रोके जाने पर पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद
भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारी 15 अप्रैल को पुलवामा में छात्रों के साथ सख्ती करने वाले सुरक्षा बलों पर कार्रवाई और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे थे। As of now, there are about 200 active militants, which is roughly the same number that has been there last year as well. There are about 90 odd militants, there are 90 odd people who were joined militancy last year. जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के कुछ लोग ही पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे में मीडिया को ऐसी बहस से बचना चाहिए जिसमें पूरे कश्मीरियों को लेकर देश के लोगों में नकारात्मक छवि बने। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि इस किस्म के डिस्कशन से गुरेज करे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल बनता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो आजकल की सिचुएशन है, कंसर्न है, सीरियस है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिचुएशन हल नहीं हो सकती। बीजेपी महासचिव राम माधव का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा काफी संवेदनशील है, इसलिए इसको लेकर राजनीति से बचने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर इशू इज अ मच सीरियस इशू टू बी यू नो टेकन टू अ लेवल ऑफ पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग। इस बीच जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सोमवार से राज्य सरकार का कामकाज शुरू हो गया। यहां अगले 6 महीने के लिए सचिवालय, राजभवन और दूसरे ऑफिस खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर सरकार और राज्य पुलिस महकमे को नोटिस जारी किया है। काउंसिल ने पिछले हफ्ते एक पत्रकार पर हुए हमले में जवाब मांगा है। 5 मई को बारामूला के सोपोर में विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर कथित तौर पर पुलिस बल ने हमला किया था। मामले में खुद संज्ञान लेते हुए पीसीआई ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार ने सभी जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जोड़ने के लिए कहा है। ये फैसला कैदियों की पेशी में होने वाली समय की बर्बादी और पैसों की फिजूल खर्ची को देखते हुए लिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके लिए सलाह दी है। केंद्र ने जेल की ई प्रणाली को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम और ई कोर्ट्स के साथ प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के लिए कहा है। ईवीएम को वोट वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी के साथ जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार ने वीवीपैट मशीनों की खरीद के लिए पैसों की मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी मांगी गई है कि सरकार ने कितना पैसा मंजूर किया है और इसे कब खर्च किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इन मशीनों की खरीद के लिए सरकार के पास 3,174 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। जीएसटी विधेयक को पास कराने के लिए आज गुजरात विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा की आज की कार्रवाई राज्य के बजट सत्र का ही हिस्सा होगी। गुजरात सरकार ने फरवरी मार्च में बजट सत्र बुलाया था, जिसका औपचारिक समापन नहीं किया गया था। दिल्ली मेट्रो में सफर करना अब महंगा होगा। डीएमआरसी ने किराए में करीब 80% की बढ़ोतरी की है। न्यूनतम किराया 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। 2 किलोमीटर के सफर के लिए अब 10 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर के लिए 15, 5 से 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपए, 12 से 21 किलोमीटर के लिए 30, 21 से 32 किलोमीटर तक के लिए 40 रुपए किराया देना होगा, 32 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 50 रुपए खर्च करने होंगे। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर इन किरायों में छूट दी गई है। नए किराए बुधवार से लागू होंगे, जबकि अक्टूबर से अधिकतम किराया 60 रुपए हो जाएगा। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहां फहराया गया आजाद भारत का पहला तिरंगा, कहां छुड़ाए भारतीयों ने युद्ध में अंग्रेजों के छक्के, कहां बना
आजाद हिंद फौज का पहला मुख्यालय। कहां मिले भारत जापान के सैनिक, किसने सहेजी नेताजी सुभाष बोस की स्मृतियां, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट मोइरांग में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गुजरात दंगे में सामूहिक दुष्कर्म के शिकार बिल्किस बानो ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से उनका न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि दोषियों को पैरोल मिलना उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बिल्किस ने कहा कि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर शुरू करना चाहती हैं। बिल्किस बानो के लिए 2002 के गुजरात दंगों से अब तक का सफर खौफनाक मंजर की तरह बीता है। सोमवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि 4 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे वो संतुष्ट हैं। मेल आया है, बहुत अच्छा आया है, इसे मैं इसके आभारी हूँ, आप सबका धन्यवाद है। और मेरे बच्चे को आगे पढ़ाना पढ़ाना चाहती हूँ और आगे से बड़े करूँगी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज संस्था के कार्यक्रम में बिल्किस के पति याकूब भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोषी ठहराए गए लोगों को पेरोल मिलने पर उनको खतरा हो सकता है। साथ जो निचली कोर्ट ने अदालत ने जो जजमेंट दिया था उस टाइम पे, उसके बाद की जो जिंदगी थी हमारी, बहुत डर रहे थे हम लोग कि बार बार उनको पेरोल मिलती थी, हर बार 2 महीने में पेरोल मिलती थी। गाँव में आते थे वो लोग और उनका खुद का पर्सनल मीटिंग करते थे वो लोग, तो उस चीज़ों से भी हमको बहुत डर लगा कि हम ये लोग पैरल पे आते हैं तो उसको वो लोग हमको कुछ हैरान की करेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व नौकर शाह एनसी सक्सेना ने दंगों के बारे में सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पूर्वाग्रह से काम करते हैं। अधिकतर ऐसे रायट जहाँ पर कि कई दिन तक राज चले हो, वहाँ पर मुसलमानों का की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 times, 15 times than the deaths of Hindus। और दूसरी बात ये है कि इन सब के पीछे पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। गुजरात दंगों के दौरान ही बिल्किस बानो के परिवार पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पंचनन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत को सतत मानव बस्तियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएन हैबिटेट का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। वेंकैया नायडू अगले 2 साल तक यूएन हैबिटेट की काउंसिल के अध्यक्ष रहेंगे। वो आज से कीनिया के नैरोबी में होने वाली यूएन हैबिटेट की 58 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1978 में वजूद में आने के बाद भारत को तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले भारत 2007 और 1988 में भी अध्यक्ष रह चुका है। यूएन हैबिटेट दुनिया भर में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ मानवीय वस्तुओं का समर्थन करता है। भारत और जापान ने एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कल टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री टोमोमी इनाडा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत को एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जापान के साथ भागीदारी आगे बढ़ाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री की जापान यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय गतिरोध और उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों समेत कई तरह के तनाव बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एशिया प्रशांत में सहयोग मजबूत करने के लिए अमेरिका, भारत और जापान के बीच होने वाले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का स्वागत किया। अरुण जेटली एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान यात्रा पर थे। बैठक रविवार को समाप्त हुई। सुहेल महमूद को भारत में पाकिस्तान का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 55 साल के महमूद फिलहाल तुर्की में पाकिस्तान के राजदूत हैं। महमूद इस महीने के आखिर तक पद संभाल लेंगे। वो अब्दुल बासित की जगह लेंगे। बासित का दिल्ली में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
ईरान ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वो उसकी सीमा में घुसकर आतंकी पनाहगाहों को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी ने कहा कि अगर आतंकी हमले जारी रहे तो फिर आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर हमला किया जाएगा और वो स्थान जहां कहीं भी हो। पिछले महीने आतंकियों के हमले में ईरान के 10 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में एक भारतीय महिला ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के रहने वाले शख्स से उसका निकाह जबरदस्ती कराया गया। महिला ने स्वदेश लौटे भारतीय उच्चायोग से मदद मांगी है। भारत सरकार 20 साल की उज्मा को सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए पाकिस्तान के साथ समन्वय बनाए हुए है। पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला उज्मा ने पाकिस्तान में जबरन निकाह कराए जाने के आरोपों के बाद भारतीय उच्चायोग में शरण ली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि उज्मा को भारत लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सोमवार को उज्मा के भाई ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और अपनी बहन को जल्द से जल्द बचाने के लिए सरकार से मदद मांगी। मुश्किल से उसको लालच देकर मैं यहाँ हाई कमीशन तक पहुँची हूँ कि मुझे सेव किया जाए और हाई कमीशन में मैं अपनी मर्जी से रुकी हूँ। कोई फोर्स नहीं है मुझ पर, जैसे कि इन्होंने फोर्स किया हो मुझे कि आप यहाँ पर रुको, अपनी मर्जी से और हाई कमीशन में मैं जब तक रहूंगी जब तक दिल्ली में सेफली ना पहुंच जाऊं। सोमवार को उज्मा ने इस्लामाबाद की एक अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराया। उज्मा ने बताया कि उसके पति का नाम ताहिर अली है, जिससे उसका निकाह बंदूक की नोक पर कराया गया था। महिला ने घरेलू हिंसा और शोषण का आरोप भी लगाया है। आरोपों के मुताबिक महिला के आव्रजन कागजात छीन लिए गए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही शादी कराने वाले मौलवी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले रविवार को ताहिर अली ने आरोप लगाया था कि वो उज्मा के साथ हाई कमीशन वीजा लेने गया था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उज्मा को रोक लिया। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कोरिया में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 13,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 13 उम्मीदवार इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के उम्मीदवार मून जे इन की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में मून जे पार्क गुन से मामूली अंतर से हारे थे। हालांकि उन्हें मध्य मार्गी विचारधारा वाले आन चल सू से कड़ी चुनौती मिल रही है। चुनाव में उत्तर कोरिया के अलावा घरेलू मुद्दे भी हावी हैं। देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर कोरिया के साथ बढ़े तनाव के बीच हो रहे चुनाव पर निगरानी रखी जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पार्क गुन को इस्तीफा देना पड़ा था। मार्च में पार्क गुन को महाभियोग के जरिए पद से हटा दिया गया था। उन पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप थे। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। बात खेलों की करेंगे। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इसमें युवराज सिंह, रोहित शर्मा, मनीष पांडे और मोहम्मद शमी की वापसी हुई है, लेकिन गौतम गंभीर, सुरेश रैना और हरभजन सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है। कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह, शिखर धवन, मनीष पांडे और केदार जाधव बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे, जबकि विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के अलावा आर अश्विन, रवि जडेजा और हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी टीम में जगह मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 1 जून को इंग्लैंड में होगा। टीम इंडिया को ग्रुप बी में पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 4 जून को होगा। देहरादून में चल रहा विरासत महोत्सव संगीत को परंपरागत बेड़ियों से आजाद करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कोशिश नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की संस्कृति से जोड़ने की है। देहरादून में आयोजित संस्कृति के सबसे बड़े समागम यानी विरासत में परंपरागत शास्त्रीय संगीत से लेकर पहाड़ी लोक शास्त्र और आधुनिक संगीत को जोड़ने की कोशिश सार्थक नजर आई। विरासत में कई नामचीन हस्तियां शिरकत कर रही हैं। ये महोत्सव 12 मई तक चलेगा। रात के पहरों में मैं सोया।
जैसे कि आजकल का यूथ जो है बॉलीवुड को सुन के बड़ा होता है, तो वो कई बार क्या होता है कि हमारे जो पहाड़ी स्टफ है इससे वो थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए कि उन्हीं की भाषा में उनको समझाया जा रहा है कि पहाड़ी म्यूजिक जो वो भी रिच है। विरासत सचमुच हिंदुस्तान की विरासत को समेटने की क्षमता रखता है और समेट रहा है। यहाँ जो कुछ भी दिखाया जाता है वो पूरे भारतवर्ष का एक नमूना पेश होता है, और विरासत क्योंकि हमें यह अवसर दे रहा है कि हम उत्तराखंड को चित्रित करें, उत्तराखंड की संस्कृति को के रखरखाव को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। बात खास शख्सियत की, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की आज जयंती है। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। राजनीति के अलावा उन्होंने समाज सुधार के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना की जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। उदारवादी विचारों के लिए मशहूर गोपाल कृष्ण गोखले 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित किए गए। गोखले भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का अहम योगदान रहा। मशहूर गजल गायक तलत महमूद साहब की रेशम सी आवाज और बेमिसाल अंदाज उनकी खूबी रही। मकबूल तरीन फनकार तलत साहब की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर आइए याद करते इस बेहतरीन गायक को। जान के अंधेरे जाए तो जाए, आवाज में कपकपी और रेशम सा एहसास, तलत महमूद साहब की खासियत रही। लखनऊ में पैदा हुए तलत साहब को संगीत के क्षेत्र में आने के लिए घर वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन संगीत से दिल लगा बैठे तलत साहब ने काफी कम उम्र में ही गजलों पर अपनी पकड़ बना ली थी। उन्होंने कोलकाता से बतौर नायक फिल्म करियर की शुरुआत की, कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन तलत साहब का पहला प्यार गजल और प्लेबैक सिंगिंग ही रहा। यही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। 1949 में आई फिल्म राखी और 1950 में आई फिल्म अनमोल रत्न से उनके करियर को रफ्तार मिली। 1950 में रिलीज हुई फिल्म आरजू। ऐ दिल मुझे ऐसी जगा ले चल जहां। इस फिल्म में उनकी गजल को भरपूर कामयाबी मिली। यहीं से तलत और दिलीप साहब की जबरदस्त जोड़ी बनी। इस जोड़ी को कई फिल्मों में दोहराया गया। साठ के दशक में जब संगीतकारों ने पाश्चात्य धुनों पर गाने बनाने शुरू किए तो तलत साहब की मांग कम होने लगी। उन्होंने कभी गजल की नजाकत के साथ समझौता नहीं किया। गजल गायकी को तलत साहब ने शीश पर पहुंचाया। जाए तो जाएगा, जाए तो जाएगा, समझेगा कौन यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। कैश लेन देन के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा सत्य की होगी जीत। कपिल मिश्रा सीबीआई को आज सौंपेंगे सबूत। गृहमंत्री का राज्यों को नक्सलियों से सख्ती से निपटने का निर्देश, नीतीश कुमार ने कहा मशवरे के बजाय जिम्मेदारी निभाए केंद्र, अभियानों में नहीं होगी सेना की तैनाती। पाकिस्तान में भारतीय महिला से जबरन निकाह, मदद के लिए भारतीय उच्चायोग मिली शरण, वतन वापसी की कोशिशों में जुटी सरकार। ईरान की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत, ठिकान नहीं खत्म करने पर घुसकर हमले की धमकी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, युवराज रोहित और शमी की वापसी,
4 जून को पाकिस्तान से पहला मैच। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।